का इतना बड़ा भूखंड धरती का है, इतना इतना गोबर की खाद हम डाल करके नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहेंगे तो इतना पशुधन हमारे पास में नहीं है। दो, तीसरा, जब इतनी गोबर की खाद धरती पे पड़ती है तो उसमें मीथेन जैसी गैसें पैदा होकर पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करती है, और उसमें जो केचुआ हलसिया छोड़ा जाता गोबर की खाद में, वो भारत का केचुआ नहीं है, वो हमारा हलसिया नहीं है, वो आयात किया हुआ हलसिया है, वो एक निश्चित टेम्परेचर से ज्यादा सहन नहीं करता, वो केवल गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता, अपने शरीर में अनेक हैवी मेटल तैयार करके फसल को देता है जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। तीन बात, नंबर चार, ऑर्गेनिक खेती में पहले 3 साल उत्पादन घटेगा, आपका उत्पादन पूरा हो ही नहीं सकता। तो यदि 3 साल हमारा उत्पादन घट गया है तो किसान का गुजारा कैसे चलेगा, लोगों का हम पेट कैसे भरेंगे, तो इस प्रकार के अनेक दोष उसमें हैं। पांचवा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खरपतवार खेत में ज्यादा बढ़ता है। मैंने 5 साल ऑर्गेनिक खेती को अपने खेत में प्रैक्टिकल किया, उसकी लागत कम हुई नहीं, उत्पादन मेरा घट गया, और झंझट उसमें ज्यादा करना पड़ता है, पिट बनाओ, उसमें गोबर डालो, उसमें वो हलसिया छोड़ो, फिर उसको छानो, फिर उसको डालो, तो उसमें लेबर भी बढ़ती है। अगली अंतिम बात, इस समय ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में आ गए हैं, कुछ कंपनियां इस क्षेत्र में उतर गई हैं और वो प्रोडक्ट तैयार करके किसानों को बेचते हैं, फिर किसान उनका उपयोग करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रासायनिक खेती किसान करता है, यूरिया खरीदता तो जेब से पैसा गया, डीएपी खरीदता तो किसान की जेब से पैसा गया, पेस्टिसाइड खरीदता तो किसान की जेब से पैसा गया, अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान खरीदता तो भी किसान की जेब से पैसा गया, किसान की लूट कहां बंद हुई।